हर बार की तरह यह साल भी निकल गया, लेकिन आप आज भी वहीं के वहीं हो। यह दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, लेकिन आप आज भी वहीं के वहीं खड़े हो। जरा देखो अपने आसपास, सब कुछ कितना बदल गया है, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हो। दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन आप कब बदलोगे? सभी ने अपने बनाए हुए गोल्स को पूरा कर लिया, सभी अपने अपने फील्ड के टॉपर बन गए, लेकिन आप पहले भी असफल थे और आज भी असफल हो। क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से, या खुश हैं अपने लाइफ स्टाइल से? जैसी जिंदगी आप जीते आ रहे हो, क्या 2021 में भी आप वैसे ही जिंदगी जियोगे? अगर आपका आंसर है नहीं, तो आपको बदलना पड़ेगा। आप 2020 में चाहे जैसे भी थे, लेकिन आपको आने वाले साल में कुछ बड़ा हासिल करना है। आपको अपनी जिंदगी बदलनी है और अपने माता पिता की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने हैं। हाँ, मैं मानता हूँ सन 2020 बहुत कष्ट भरा रहा, कोरोना आया, लॉकडाउन भी लगा, आपका बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, हाल रोजगार, सभी चीजों की बहुत हानि हुई। लेकिन ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो नया साल आने वाला है और आपको आने वाले इसी नए साल में सब कुछ बदल के रख देना है। और आप सभी के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं और 2021 में इन बातों को हमेशा याद रखना। एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत तक ले जाती है। ये एक नया साल है, एक नई शुरुआत, और चीजें बदलेंगी। शुरुआत किसी भी काम का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। आप नई चीजों को उठाने के लिए पुरानी चीजें गिराते हो। आप कभी भी नहीं जीत सकते अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे। आज नहीं तो कल सुबह होनी ही है और उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। अंत का जश्न मनाओ, क्योंकि वे एक नई शुरुआत के ठीक पहले है। बड़ा सोचो और उन लोगों की मत सुनो जो तुमसे ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सोचने के लिए लाइफ बहुत छोटी है। हर वो चीज जिसे तुम कभी ना कभी चाहते थे, वो डर के उस पार है। आपकी जिंदगी तभी बेहतर होगी जब आप बेहतर होगे। हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर हमारे अंदर उन सपनों का पीछा करने का साहस हो। सफलता इसमें नहीं है कि आप कभी कोई गलती ना करें, बल्कि इसमें है कि आप वही गलती दोबारा ना करें। नए साल का अभिनंदन और हमारे लिए सब कुछ सही करने का एक और मौका। अगर तुम सचमुच में कुछ करना चाहते हो, तो बस एक तरीका खोज निकालो। अगर नहीं, तो तुम एक बहाना ढूंढ लो। 2021 में हमें कई प्रकार के हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारी हार नहीं होनी चाहिए। अंत का जश्न मनाएं और बीती हुई चीजों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें। उस नौकरी के साथ आगे ना बढ़े जो आपको अच्छा ना लगता हो या जिसमें आपको मजा ना आता हो। और अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उससे खुश हैं, तो आप स्वयं से प्रेम करेंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। और अगर आपको यही चीज मिल गई, तो आप इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप कुछ नया करते हो और आपसे गलती हो गई, तो आप इस बात से घबराना मत, क्योंकि अगर जिसने कभी कोई गलती की ही ना हो, उसने अपनी लाइफ में नया कुछ कभी ट्राई ही नहीं किया। बदलाव कभी भी आपके पैसे से नहीं आता, बदलाव आपके समर्पण और मेहनत से आता है। जो भी तुम करना चाहते हो या सपने देख रहे हो, उसे करना शुरू कर दो, क्योंकि साहस में प्रतिभा, शांति और जादू है। एक नई शुरुआत करने के लिए पुरानी चीजों को खत्म करना ही पड़ता है। कोई भी सपना कभी जादू से सच नहीं होता। इसके लिए पसीना, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हो, अरे फर्क तो ये पड़ता है कि आपको कहां जाना है। हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। जीवन में देखे गए सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर आपने उन्हें पाने और अपनाने का साहस हो। नए वर्ष से दृष्टिकोण में चमक आता है। हार और असफलता के कारण जो भी खुशियां हमसे खो गई हैं, वो लौट आती हैं। बस आप अपने परिस्थितियों से शिकायत करना बंद कर दो। नव वर्ष का दिन, वार्षिक अच्छे संकल्प लेने के लिए यह एकदम जबरदस्त समय है। और आप अगले हफ्ते हमेशा की तरह इन संकल्पों को भूल जाते हो। बीते हुए कल से सीखें, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए आशा करें। मुझे उम्मीद है आपको ये लाइन्स पसंद आई होंगी। एक नया साल आपके लिए एक नई जिंदगी है, एक नया अवसर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए। और मैं भी दिल से यही दुआ करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हो और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुए। और यार, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, तो इस वीडियो को बनाने का पूरा मेहनत सफल हो जाएगा। और नए साल से पहले आप अपने सभी चाहने वाले को ये वीडियो शेयर करो, ताकि सभी के लाइफ में एक नए चेंजेस आ सके। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद।